अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट्स और ग्राफ के ऊपर काम करेंगे। डाटा एंटर करेंगे। डाटा एंटर करने के बाद रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसका चार्ट या ग्राफ जो है वो बनाना है। तो रेंज को पहले सेलेक्ट किया, ये मैं रेंज को सेलेक्ट कर रही हूँ जिसका मुझे चार्ट या ग्राफ बनाना है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में चार्ट्स में हम इसमें से जिसके पर क्लिक करेंगे वो बन जाएगा। तो मैं कॉलम पे क्लिक करूँगी, कॉलम में मैं क्लस्टर कॉलम पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास ग्राफ या चार्ट जो है वो बन गया है।